वागर्थाव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का भारत अध्ययन केंद्र के सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी नाट्यशास्त्र विषय विशिष्ट व्याख्यान को लेकर उपस्थित हैं। मुख्य उपस्थित हैं नाट्यशास्त्र के विश्वविश्रुत विद्वान आदरणीय गुप्त जी। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आवें और हम सभी के मध्य उपस्थित हैं नाट्यशास्त्र शास्त्र एवं प्रयोग पक्ष के मूर्धन्य विद्वान आचार्य होम्बल सर। मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि सर आप आसन ग्रहण करें। मैं अपने कोऑर्डिनेटर आदरणीय द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि सर आप भी आएँ। और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए दीप प्रज्वलन एवं महामना व सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके हम प्रारंभ करेंगे। तो आदरणीय उत्तम जी थोड़ा दीप प्रज्वलन में आप सहयोग करेंगे। बहुत ही सुखद संयोग है कि हम सभी के बीच आचार्य गुप्त जी, आचार्य होम्बल जी और हम सभी के मध्य आईजीएनसी वाराणसी के निदेशक अभिजीत दीक्षित जी सम्मुख उपस्थित आचार्य अर्पिता चटर्जी जी, प्रियंका सिंह जी और हम सभी के की विद्यार्थिनी रही हिंदू अध्ययन की, आप त्रिनिदाद से यहाँ रहीं इंद्रानी राम प्रसाद जी सम्मुख हिंदू स्टडीज के विद्यार्थीगण एवं एनएसडी से जो क्षेत्रीय इकाई वाराणसी से जो हमारे सहभागी उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मंगलाचरण के लिए ज्योति जी को आमंत्रित करता हूँ। विश्रुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत
त्राह स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुपागं सस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद ज्योति जी। अब हम सभी जब महामना के बगिया में उपस्थित होते हैं किसी अनुष्ठान को लेकर के, तो प्रथम हम स्मरण करते हैं महामना के इस कीर्ति को, महामना की इस पुण्य भूमि को। उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारी हिंदू अध्ययन के छात्रा को, आप कुलगीत के माध्यम से। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी, राजधानी ये तीनों लोगों से नारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी पर यह सर्वविद्या की राजधानी, राजधानी नई नहीं है ये ईंट पाथर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर यह सर्वसृष्टि की राजधानी, राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यही पर यह सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यही पर यह ब्रह्म विद्या की राजधानी, राजधानी वह मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही फले फूले बुद्ध शंकर यह राज ऋषियों की राजधानी, राजधानी सुरम्य धाराई वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों न आकर यह वाग विद्या की राजधानी, राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर यह विश्व विद्या की राजधानी, राजधानी यह मालवी जी की देश भक्ति यह उनका साहस यह उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर यह कर्म वीरों की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर
अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। धन्यवाद सोनी, इस मधुर कुलगीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब और मैडम आप आगे आ जाएं। अब अवसर है अपने उपस्थित अतिथियों के स्वागत का, तो स्वागत के क्रम में मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि आचार्य भरत गुप्त जी का माल्य एवं अंगवस्त्रम देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अपने मित्र डॉक्टर अनुपति तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप आवें और आज की अध्यक्षता कर रहे नाट्यशास्त्र एवं प्रयोग के मूर्धन्य आचार्य अम्बल सर का माल्य एवं अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वाचिक स्वागत के लिए अपने केंद्र के समन्वयक आदरणीय द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि सर आवे और विद्वत्व का वाचिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाचाम अगोचरम अनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भारत अध्ययन केंद्र काशीन्दु विश्वविद्यालय के लिए आज यह अत्यंत विशिष्ट अवसर है कि हम विश्व प्रसिद्ध आचार्य नाट्यशास्त्र के आचार्य प्रोफेसर भरत गुप्त जी का यह विशिष्ट व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस व्याख्यान का विषय है नाट्यशास्त्र के आधुनिक प्रयोग। हमारे बीच जो विद्वान वक्ता हैं, मैं उनके और आप सबके बीच में अधिक व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा, फिर भी जो औपचारिक स्वागत का क्रम है उसको करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने विशिष्ट व्याख्यान से आप सभी को आप्यायित करें। प्रोफेसर भरत गुप्त जी कोई परिचय का इनको कोई विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उनके विशिष्ट व्याख्यानों, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व और भारतीय संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, भारतीय कला,
थिएटर इस क्षेत्र में आपके जो अवदान हैं उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रोफेसर भरत गुप्त जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से आप सेवानिवृत्त हैं, वहाँ आप इंग्लिश के प्राध्यापक थे वस्तुतः, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक होते हुए भी आपकी विशिष्ट रुचि भारतीय संगीत शास्त्र, भारतीय नाट्य शास्त्र एवं थिएटर के प्रति विशेष रूप से रही, और आपकी यही रुचि आज आपकी पहचान बन गई है। पूरे विश्व में इसी पहचान से आप जाने जाते हैं। न केवल आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, अभी तो शास्त्र के साथ जो प्रयोग पक्ष है वो भी आपके अंदर समान रूप से प्रतिष्ठित है, क्योंकि सितार और सुरबहार ये दो वाद्य आप स्वयं बजाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और उसकी रहस्यों और महीनताओं से आप परिचित हैं। आगे आ जाओ बेटा, और इधर व्यवस्था कर रहे हैं, आ जाओ। विद्यार्थियों और विद्वानों की उपस्थिति अपने आप में इस बात की परिचायक है कि प्रोफेसर भरत गुप्त जी के द्वारा आज जो प्रस्तुत किया जाएगा वह निश्चित ही कुछ विशिष्ट होगा। आपकी अभिरुचि और इस सभागार में उपस्थिति इस बात का पर्याप्त रूप से परिचायक है। आपके अनेक लेख, प्राचीन यूनानी नाटक, पश्चिमी रंगमंच की उत्पत्ति इत्यादि के विषय में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन जो विशेष बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा वो ये है कि आपने अपने विशिष्ट शोध के माध्यम से इस बात को प्रतिस्थापित किया है कि जो मॉडर्न यूरोपियन थिएटर है वो पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक थिएटर से प्रभावित है, उसी की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ता है। तो भारतीय विद्याओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की प्रतिष्ठा के लिए आपको संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। आपने उसी विषय को लेकर शोध कार्य भी किया, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी बड़ौदा से, और आपका वह शोध बहुत ही अधिक सराहा गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में आप विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत रहे, वहाँ के विद्यार्थियों को नाट्यशास्त्र के सूत्रों से आप परिचित कराते रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आप संसाधन विद्वान हैं, वहाँ के ट्रस्टी हैं, वहाँ के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और भारत में कला के कई अन्य प्रमुख केंद्रों और अकादमियों से आपका संबंध है, जिनमें उल्लेखनीय है सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट, म्यूजिक एकेडमी मद्रास, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हैबिटेट सेंटर, कला क्षेत्र चेन्नई और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। इन संस्थाओं में आपने अध्यापन किया है और इन संस्थाओं में आप अपने विशिष्ट व्याख्यानों के माध्यम से नाट्यशास्त्र, भारतीय संगीत शास्त्र और उसका जो प्रयोग पक्ष है थिएटर, उस पर विशिष्ट व्याख्यान निरंतर प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं। शीघ्र ही आपको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया और भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपको 2023 वर्ष में इसी वर्ष संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से आपके संपूर्ण अवदान को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है। यह कहना अतिरिक्त नहीं होगा कि प्रोफेसर भरत गुप्त जी का तीनों भाषाओं पर, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, तीनों भाषाओं पर समान अधिकार है, क्योंकि बिना संस्कृत के अधिकार के आप नाट्यशास्त्र के सूत्रों से परिचित नहीं हो सकते। त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, ये बात कही गई है। न तच्छास्त्रम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न विद्यते।
सृष्टि की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ऋषियों ने वेदों का निर्माण किया और उन्हीं वेदों से अनुप्राणित होकर जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसानाथर्वणादपि नाट्यशास्त्र जैसे अद्भुत सार्ववर्णिक शास्त्र की रचना हुई। उद्देश्य क्या था? लोक का ललित विधि से नियंत्रण। अभिनय कला को हमने वस्तुतः उपासना से जोड़कर चला और जो एक बात भारतीय परंपरा से उठकर सामने आई, भारत की पारंपरिक बोध से उठकर सामने आई और काशी से उठकर सामने आई कि अभिनय भी नाट्य भी एक यज्ञ है, इसके विधिवत पक्षधर और बड़े ही प्रबल समर्थक हैं आचार्य प्रोफेसर भरत गुप्त जी। यज्ञ का संपूर्ण उद्देश्य होता है लोक का कल्याण, लोक का नियंत्रण, और ललित विधि से शास्त्रीय पक्षों को लोक तक पहुंचाना और लोक को सतपथ पर ले जाना, ये हमारी नाट्य विद्या का प्रधान उद्देश्य रहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में ही इन बात को कहा है। तो मैं आचार्य प्रोफेसर भरत गुप्त जी का भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर आज विशिष्ट व्याख्यान हमारे बीच प्रस्तुत करना स्वीकार किया। इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ही बीच जिनको हमने विगत कई दशाब्दियों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिनकी कला को प्रत्यक्ष देखा। एक शास्त्र के यदि संरक्षक हैं, वाचिक पक्ष को लेकर यदि संपूर्ण विश्व में नाट्यशास्त्र को लेकर प्रसिद्ध हैं, तो दूसरे आचार्य जो हमारे सम्मुख हैं वो उसकी प्रस्तुति को लेकर, उसके अभिनय को लेकर। प्रणम्य शीर्षादेव पितामह महेश्वरौ, प्रणम्य शीर्षादेव पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदाहृतम्। द्वाभ्याम यत् समुदाहृतम्, क्योंकि आप यदि ब्रह्मा जी को लेंगे तो महेश्वर छूट जाएंगे। इसीलिए सनातन कवि आचार्य रिवा प्रसाद द्विवेदी जी ने जब, पूज्य पिताजी ने जब नाट्यशास्त्र का संपादन किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से वो छपा, तो उसमें चतुर्थ चरण उन्होंने लग दिया, द्वाभ्याम यत् समुदाहृतम्, अर्थात जितना वाचिक या शास्त्रीय पक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए महेश्वर का अभिनय पक्ष महत्वपूर्ण है। उन दोनों के प्रतिनिधिभूत आचार्य आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित है। मैं प्रोफेसर होम्बल का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर होम्बल तीन विधाएं, एक तो कोरियोग्राफी, दूसरा निर्देशन और तीसरा अभिनय, तीनों में आप सिद्ध हस्त हैं। कोरियोग्राफी के रूप में आपने अनेक बैलेट्स को, नाटिकाओं को कोरियोग्राफ किया है, उसके नृत्य प्रस्तुति में आपका निर्देशन रहा है। कर्णभारम और ऊर्भंगम, ये महाकवि भास के नाटकों का आपने निर्देशन किया है और महाकवि कालिदास के तीनों नाटकों में आपने अभिनय किया है, मालविका अग्निमित्रम विक्रम और वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो त्रिविध जो पक्ष हैं वो तीनों ही पक्षों में आप निपुण हैं। मैं आपका इस केंद्र में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और प्रोफेसर भरत गुप्त जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सभी को अपने विशिष्ट व्याख्यान से आप्यायित करें। हेलो, बस बिगड़ जाएगा।
श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे अतीव प्रसन्नता है कि काशी में और वो भी इस विश्वविद्यालय में और इस पुण्य केंद्र में कुछ कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अभी कह रहा था आचार्य जी से इनके दफ्तर में कि भारत अध्ययन केंद्र जैसे अब जो केंद्र विश्व में भारत में बन रहे हैं, जो कि लगभग 60-70 साल से वर्जित से ही थे, तो अब उनमें आकर उनको देखकर एक चिरकाल की आकांक्षा वांछा पूरी होती है। तो उस प्रकार से भी मैं धन्य हूँ कि मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। और नाट्यशास्त्र विषयक एक समस्या, या ये कहें समस्या पूर्ति, जैसे काव्य में समस्या पूर्ति होती है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आधुनिक प्रयोग क्या हुए हैं इसका मैं विवरण आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो आप अभ्यस्त हैं कि कौन कौन से बड़े अच्छे नाट्याचारी हुए और किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयोग किए, और काशी में तो उसकी एक पूरी श्रृंखला है। मैं बात करना चाहूँगा आज और कल कि हमारी यात्रा वास्तव में आधुनिक काल में नाट्य शास्त्र की परंपरा के प्रयोग को संपूर्ण रूप से प्रयोग को प्रारंभ क्यों नहीं कर पाई। देखिए, आप इंग्लैंड जाएं और आप कहें कि यहां का महाकवि शेक्सपियर हुआ, तो शेक्सपियर के समय में और उसकी परंपरा में ड्रामा, नाट्य, थिएटर कैसे खेला जाता था और किस प्रकार के नाट्य गृह में खेला जाता था, क्या शक्ल सूरत थी उस स्टेज की, उस थिएटर की, तो वो कहेंगे कि ठीक है, आप स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जाइए, वहाँ वो पूरा का पूरा भवन, जो समझिए कि 1690 के बाद बना, वो वहाँ है, और उसमें आप शेक्सपियर के द्वारा किए हुए किसी नाटक को भी 2-4 दिन बाद देख सकते हैं। तो साक्षात आपको दर्शन हो गया कि इस संस्कृति, इस देश के नाटकीय परंपरा का ये साक्षात उदाहरण है और आपने उसका आस्वादन किया। आप ग्रीस जाइए, वहाँ इतने सारे एंशंट प्राचीन एम्फी थिएटर्स हैं, उनमें निरंतर प्राचीन नाटकों के प्रयोग होते रहते हैं, आप देख सकते हैं, सारे साल होते हैं। लेकिन कोई बाहर से आए भारत में और कहे कि अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में नाट्य गृह कैसा होता था और उस नाट्य गृह में प्रयोग किस प्रकार किया जाता था, आप कैसे अभिज्ञान शाकुंतलम खेलते थे या कैसे किसी दूसरे स्वप्न वासव दत्तम या मृच्छकटिकम, कोई भी नाटक आप कैसे खेलते थे, जरा देखें। तो ना तो नाट्य गृह है और ना उस प्रकार की रंगमंडली है, और ये है आजादी के अमृत काल में, तो कहीं कुछ बहुत बड़ी कमी। हमने बहुत अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए काम किया, विचार किया, बहुत से विषयों में, दर्शन के, आध्यात्म के, लेकिन नाटक को हमने अपने देश की पहचान बनाना नहीं चाहा। नाट्य को
वो ऐसा हमने अपनी कलाकृति को विश्व के सामने नहीं रखा कि लोग कहें कि ये है भारत की पहचान। जैसे इंग्लिश थिएटर के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है, जाओ देख लो। रशियन थिएटर के बारे में कोई संशय नहीं है, आप जाइए पीटर्सबुर्ग या मॉस्को और वहाँ निरंतर प्रयोग होते रहते हैं, चेकोफ, चेकोफ के बाद के आधुनिकतम प्रयोग होते रहते हैं। हमारे यहाँ आधुनिकतम प्रयोग तो होते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा हमारी, जिसका हम दम भरते हैं, जिससे हम अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं, वो हम प्रयोग में निरंतर नहीं ला पाए, उसको हम गहराई से नहीं कर पाए। और इसमें कोई असत्य नहीं है, इसमें किसी के ऊपर कोई आक्षेप भी नहीं है, ये केवल एक कमी है। अब इस कमी को कैसे दूर किया जाए? सारा का सारा भार हमारे ऊपर ये, जैसा कि आचार्य जी जानते ही होंगे कि जब आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में परंपरा से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ चीजें मिल जाती हैं। जैसे आंगिक अभिनय कैसे होगा, तो आप जो आजकल जिनको हम शास्त्रीय नृत्य कहने लगे हैं, वैसे तो शास्त्र में शास्त्रीय और अशास्त्रीय कुछ नहीं होता, परंपरा में ग्राम में भी उतना ही शास्त्रीय है अगर वो मर्मस्पर्शी है तो उदाहरण तो मिल जाएंगे आपको। अगर चौथे अध्याय में नाटशास्त्र के 108 करण हैं और 32 अंगहार हैं, तो उसमें से कम एक चौथाई तो आज आपको भरतनाट्यम में या उड़ीसी में तो बाद में आए आपको मिल जाएंगे। ये चीज हमारे पास है, ये परंपरा भारत में है, ये अन्यत्र नहीं है विश्व में। इंग्लैंड की बात तो ये कि ये सिर्फ 300-400 साल की बात है, लेकिन जहां 2000 साल की बात है, जैसे यूनान में 2500 साल की, तो वहां नहीं है परंपरा। ये चीजें तो हमारे पास हैं, कहीं कहीं टूटी छिटकी पड़ी हैं अलग अलग, लेकिन वो उस प्राचीन परंपरा में जो प्रयोग होता था उसके सिर्फ अंग हैं। क्यों आचार्य? उसके कुछ टुकड़े हैं। आंगिक अभिनय आपको मिल जाएगा, वाचिक अभिनय थोड़ा बहुत गायन से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो पाठ्य डायलॉग होता था वो क्या सिर्फ बोला जाता था, या उसका गायन होता था, या बीच की कुछ चीज थी, और वो कैसे होती थी, ये परंपरा में तो हमारी है नहीं। क्योंकि हमारी परंपरा का भी उच्छेद हुए लगभग 1000 सालों, नगर में जो नाट्य होता था वो अब 1000 साल से इस्लाम के आने के बाद खत्म हो गया। तो ये चीजें इधर उधर तो हमें मिलती हैं, लेकिन ये समग्र नाट्य कैसे था, ये समस्या है। ये समस्या है, इस समस्या की पूर्ति कैसे हो और ये कार्य हम कैसे करेंगे। अब जाहिर है कि इसका पहला चरण होगा कि आप शास्त्र का अध्ययन करें, क्योंकि ये अद्भुत लक्षण ग्रंथ हमें सुलभ है। 36 अध्याय हैं, 36-37 अध्याय, 6000 श्लोक हैं, और इसमें लगभग हर प्रकार की नाट्य क्रिया का विवरण है, कहीं विशद विवरण है, कहीं संकेत है, लेकिन है, अवश्य कुछ छूटा नहीं है। लेकिन व्यवहार में नहीं है तो हमारी नाट्य परंपरा से अलग है। अब इसको आप कैसे पुनर्जीवित करेंगे? पहले
तो हमारे देश में जो बाधा रही वो ये रही कि हमने कहा भाई किसी चीज़ का पुनर्विकास या पुनर्जागरण या पुनर्निर्मिति करें ही क्यों, वाई रिकॉन्स्ट्रक्ट, वाई रिवाइव। अब तो ज़रा इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन जब मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो अगर मैं किसी भी प्राचीन विधा की या प्रयोग की बात करता था और ये कहता था इट शुड बी रिवाइव, तो रिवाइवलिस्ट जो था वो रिवाइवलिस्ट लगभग एक गाली थी। यानी वातावरण ये था कि आप दोबारा जिंदा करना चाहते। अब ये भारत की जो स्थिति थी, और जो भारत की स्थिति विशेषकर प्रयोगात्मक कलाएं या परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको हम कहते हैं उसमें थी, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उससे नुकसान ये हुआ कि जो आपकी सबसे बड़ी जो आपकी राशि थी, धनराशि थी, आप उसको भूल गए, आपने उसका प्रयोग नहीं। हमने सब ने ये तो पढ़ लिया कि ये पंचम वेद है और ये पंचम वेद लोक कल्याण में है और तीनों लोकों के लिए है और तीनों लोकों का अनुकीर्तन, ये सब हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया, देख लिया। लेकिन जब उसको करने की बात हुई तो वो साहस, वो विचार, वो सारी चीजें, उनके ऊपर शुरुआत ढंग से नहीं हो पाई। वो इसीलिए नहीं हो पाई कि हमने सोचा कि रिवाइवल एक गलत दिशा में जाना है, वो भविष्य की ओर नहीं जाना। जबकि आप सब जानते हैं कि यूरोपियन संस्कृति का उत्थान 14वीं शताब्दी से रिवाइवल के द्वारा, रिनेसांस के द्वारा ही हुआ। वहाँ तो नाटक था ही नहीं कभी, तो उन्होंने ग्रीक्स को पढ़ा, एरिस्टोटल को पढ़ा, और सर फिलिप सिडनी ने इन डिफेंस ऑफ पोइजी एक ग्रंथ लिखा, उसके बाद शेक्सपियर इत्यादि ने उसके ऊपर नाटक लिखे और उनका दोबारा से रिवाइवल हो गया। यानी दोबारा जो चीज़ उन्होंने लगभग 1000 साल से छोड़ रखी थी उसको रिवाइव कर लिया। और हमारे पास जो कि एक परंपरा भी है, बहुत से प्रयोग भी हैं और शास्त्र भी है, और वास्तव में शास्त्र नहीं है, शास्त्रों की एक श्रृंखला है। क्योंकि आचार्य जी जितने शास्त्र नाट्य संगीत इत्यादि में लिखे गए उतने किसी विधा में नहीं लिखे। 2000 साल में नाट्यशास्त्र के बाद मतंग मुनि आते हैं, उसके बाद एक पूरी झड़ी है शास्त्रकारों। 18वीं शताब्दी तक लोग लिखते आ रहे हैं, और रूपक भी लोग लिखते थे, प्रहसन इत्यादि, तो विशेषकर दक्षिण में 19वीं शताब्दी तक में लोगों ने खूब लिखे। इस सब के बावजूद भी इसको स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसको स्थान? इसलिए नहीं मिला कि हमने सोचा कि किसी प्रकार का भी बौद्धिक पुनर्उदय जब होता है, जब वो शहर में हो, वो सरकार के साथ मिलकर हो, स्टेट उसका काम करे और वो अर्बन हो। अगर वो गांव का है तो स्वीकार नहीं। तो भारत के नाट्य की जितनी भी भाषा थी, लैंग्वेज थी, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार, जो कुछ था वो शहर में नहीं थी, वो गांव में थी, वो कुडियाट्टम में थी, वो यक्षगान में थी, वो भवाई में थी, तेरुकुतु में थी, इस तरह से जिसको हमने फोक थिएटर किया उसमें थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। उसको हमने सोचा ये तो फोक है,
और ये मान लिया गया कि फोक है तो ये छोटा है, जबकि आप देखें किसी भी नाट्य ग्रंथ में ये विभाजन तो है ही नहीं कि जो नागरिक होगा नागर होगा, क्योंकि भारत में तो नागर का अर्थ दूसरा होता है, नागर का अर्थ तो संस्कृत में भी दूसरा है, कामशास्त्र में भी दूसरा है, केवल नगर में नहीं रहता बल्कि जो स्वभाव से संस्कृति का पोषण करता हो वो है, जो धनाढ्य है वो नहीं है, जो रसिक है वो है, तो वो तो गांव में भी होता है, वो तो ग्राम में भी होता है। तो हमारी परिभाषा ये बदल गई, क्लासिकल की भाषा जो थी वो वेस्टर्न भाषा नागरिक भाषा है, अर्बन भाषा है, नागरिक भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि नगर और नागरिक और नागर शब्द तो संस्कृत पद्धति के हैं ना, तो वो अर्बन थे, इसलिए उस थिएटर का विकास नहीं हुआ। हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया तो उसमें प्रारंभ हुआ, बरसों तक क्या सिखाया गया, यूरोपियन रियलिस्टिक थिएटर, उसी के ऊपर हम केंद्रित रहे। फिर बहुत बरसों बाद जब कुछ विदेशियों ने यहाँ आकर यहाँ का नाटक सीखना शुरू किया और वो काशी में एक थोड़ा हाफ क्रैक आदमी रिचर्ड शेखनर आ गया और उसने रामलीला देखी और उसने कहा अरे रे रे ये तो अद्भुत चीज़ है, आज यहाँ खेलते हैं कल को वहाँ खेलेंगे और ये तो अपनी भूमिका ही बदलते जाते हैं, रंग मंच ही अपना बदल जाते हैं, तो उसने जाके थियोरी ऑफ परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस थियोरी थिएटर की लिख दी। और इस तरह के और भी लोग आए, यूजेनो बारबा वगैरह और ग्रोताउस्की वगैरह, उन्होंने यहाँ की कलाएं सीखी, तब हमें लगा कि यहाँ भी हमारे पास कुछ कला है नाट्य की जो कि शहर में नहीं है, जो कि अर्बन थिएटर नहीं है। फिर उसका थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नाट्य तो एक व्यवहारिक कला है, एक प्रयोगात्मक कला है, अब उसके लिए आप किस प्रकार से, तो एक कथा लिखेंगे, इतिवृत्त जिसको कहते हैं नाट्य शास्त्र की भाषा में, कहानी लिखेंगे, और फिर कौन से पात्र बनाएंगे और फिर उनका कैसे अभिनय करेंगे, अभिनय करने में क्या प्रयोग में लाएंगे क्या नहीं प्रयोग में लाएंगे, ये जो एक प्रकार से वास्तविक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट जिसको अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, और हमारे यहाँ प्रयोग मतलब कुछ नया बनाना, उसको जोड़ना, अलग अलग चीज़ों को नया बनाना, ये प्रयोग हो नहीं पाया क्योंकि हमने एक तो नाट्यशास्त्र का सांगोपांग अध्ययन नहीं किया। जिन लोगों ने अध्ययन किया, प्रयास किए, उनको प्रचुर मात्रा में जिसको आप कहते हैं आश्रय नहीं मिला, वो नाट्यकर्मियों से नटकर्मियों से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए, संस्था के रूप में नहीं जुड़ पाए, व्यक्तिगत रूप में तो बात अलग है, सब जानते एक दूसरे को, लेकिन जुड़ नहीं पाए। जब वो जुड़ नहीं पाए तो देखिए नृत्य की परंपरा अलग चलती रही, वो नृत्य की परंपरा क्लासिकल नृत्य होकर भरतनाट्यम उड़ीसी इत्यादि और फिर ये सब होकर होती रही, उसमें नाट्य के प्रयोग हुए, और उन प्रयोगों में क्या था, आंगे का अभिनय था, भावाभिव्यंजना थी, और अष्टपदी की जो परंपरा चल रही थी जयदेव से, उस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया गया, दोबारा अच्छी तरह से किया गया और उसके बहुत अच्छे प्रयोग हुए, और उसको लेकर जब कुछ नाट्य के प्रयोग किए गए तो वो वास्तव में थिएटर नहीं था क्योंकि उसमें डायलॉग तो था ही,
मैंने वी राघवन जी की पुत्री हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उनके द्वारा किया गया एक प्रयोग देखा था 86-87 में चेन्नई में, या तो अभिज्ञान शाकुंतलम था या कोई और था। तो वहाँ पाठ तो है ही नहीं, कुछ डायलॉग तो बोला ही नहीं गया, संवाद तो है ही नहीं। तो वो क्या हुआ, वो एक प्रकार से कहानी आपने विस्तृत रूप से नाटक की कह दी, लेकिन वो वही परंपरा चल रही है जो गीत गोविंद की परंपरा है कि पद का गायन हो रहा है, उसका अभिनय हो रहा है, बराबर में आपके नुटवंगम और वो सब अपने बैठे हैं और वो बजा रहे हैं, और उसको बैले कह दिया गया। आज भी बैले कहते हैं, संगीत नाटक एकेडमी उसके लिए ग्रांट भी दे देती है। अगर आप कहे कि मैं एक प्राचीन नाटक करना चाहती हूँ जिसमें भरतनाट्यम का प्रयोग हो, तो वो यही पूछेंगे कि आप बैले करना चाहती हैं? आप कहें नहीं नहीं मैं तो पूरा एक प्रयोग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उन्हें समझाना पड़ेगा आपको। मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ नंदिनी जी बिल्कुल, धन्यवाद साहब, हाँ अभी मिला था मैं, अब मुझे ध्यान आया। तो जो कलाएं हमारे पास रही हैं उनको परिपाटी के रूप में तो हमने साधा, बड़ी बड़ी साधनाएं की, बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे समक्ष बैठे हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में तो वो सब एक दूसरे से गुथी हुई थी। और अगर आप आंगिक अभिनय को ही लें तो कई प्रकार के आंगिक अभिनय थे उस काल में, जो आगे चलकर विलुप्त हो गए क्योंकि वो नाट्य में होते थे, थिएटर में होते थे, वो नृत्य में नहीं हो सकते थे, वो अष्टपदी के गायन में नहीं हो सकते थे। क्योंकि अष्टपदी का जो गायन है, यानी आप जानते हैं ना जयदेव की अष्टपदियाँ, केशी मथनम उदारम रमय मयासय वगैरह, इस तरह की जो हैं, इनमें तो कोई थिएट्रिकल स्टोरी नहीं होती, इसमें एक प्रसंग होता है। एक प्रसंग आपने एक नायिका को लेकर आपने दिखा दिया, लेकिन इससे नाट्य की विधा नहीं हुई, इससे नाटक नहीं बना, एक रूपक नहीं बना, जिसको पुरानी भाषा में कहें एक जॉनर नहीं बना। तो उस जॉनर को हम नहीं खेल पाए। अब जैसे आंगिक अभिनय की बात है तो नाट्यशास्त्र में सूचा बताया गया है, अंकुर बताया गया है, निवृत्ति अंकुर बताया गया है। अब ये क्या होता है भाई, ये तो नहीं बचा प्रयोग में कहीं भी, क्योंकि मंदिरों में जहां ये नाट्य चल रहा था, अष्टपदी गायन का नाट्य, वहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। ये तो जहां थिएटर हो रहा हो वहां हो सकता था। सूचा का अर्थ तो आप जानते हैं कि जो पाठ्य है उस पाठ्य को कहने से पहले अभिनय के द्वारा सूचित कर दिया। अंकुर का मतलब ये है कि जो पाठ्य है, एक लाइन है, शिवास्ते पंथाना स्यू, मान लीजिए कि इतना सा टुकड़ा है, तो इसका एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से अभिनय, अलग अलग भावों को दिखाते हुए जो भाव कलाकार के मन में आ रहे हैं, ये अंकुर है। निवृत्त्यांकुर कि दूसरा पात्र क्या कहेगा उसको पहले से समझते हुए फिर उसका अभिनय दिखाना। तो ये तो सब एक कोई नाटक होगा उसी में होगा ना। तो जब ये चीजें हमें सुलभ नहीं थी, तो आज जो चैलेंज है वो इसी प्रकार से अभिनय को पुनर्जीवित करने का है। बहुत सी चीजें तो हैं हमारे पास, और ये असीम भगवत कृपा है कि हैं हमारे पास ये चीजें जो अन्यत्र देशों में नहीं है। लेकिन हमारे पास जो
हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो इतना बड़ा है, उसको हमें इतना अधिक जोड़ना है उसके अंदर, कि वो काम जब हो सकता है, जब इसके लिए दो चीजें, एक तो वो नाट्य गृह हो जैसा प्राचीन काल में होता था। ठीक है, उसके बारे में विवाद होगा, उसके बारे में केरला में कुछ लोग एक प्रकार का बनाएंगे, बंगाल में दूसरे प्रकार का, अगर ममता दीदी बनाने देंगी तो दूसरा बना लेंगे, हैं? तो भारत में तीन चार बनेंगे, अगर थोड़ा सा उनमें भेद होगा, लेकिन एक स्थान होगा। अब वहां दूसरी चीज क्या, कि मंडली जो मंचन करे, तो वो मंडली तो ऐसे नहीं कर देगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा अच्छा 3 महीने में ये मालविका अग्निमित्र कर दो या ये कर दो, तो लोगों ने कर दिया, तो जो आता है वो कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोग ये करते ही रहते हैं, है? यहाँ भी साल में 2 बार करते हैं, आपके काशी में भी। उसके लिए एक अलग रंग मंडली चाहिए, डेडिकेटेड रेपर्टरी, जिसका लक्ष्य ये नहीं हो कि मैं यहाँ से डिग्री लूँगा और फिर मुंबई चला जाऊँगा या OTT का कुछ करूँगा या ऐसे नहीं, जिसका लक्ष्य ये हो कि मैं यहाँ प्रयोग के द्वारा सीखूंगा, आचार्यों से सीखूंगा, नाट्यशास्त्रियों से सीखूंगा, 1 बार करूंगा, 2 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, 9 बार फेल होऊंगा और 10वीं बार मैं उसको सिद्ध कर लूंगा, जो मैं छोटा सा भी काम करना चाहता। अब इतनी सारी चीजें हैं नाट्यशास्त्र में जो बिल्कुल विलुप्त हो गए, स्थित पाठ। अब बहुत से लोग समझते हैं कि स्थित पाठ का मतलब है कि जैसे जब कोई कथक के बहुत बड़े नाचने वाले जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेचारे नाच नहीं सकते तो वो बैठ के भाव दिखा देते हैं। अरे ये मुझसे कहा लोगों ने, साहब ये है देखिए स्थित पाठ, मैंने कहा अरे ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा, जैसे ध्रुवा गान, तो ध्रुवा गान क्या होता था, ध्रुवाएं क्या होती थी, पूर्व रंग में ध्रुवाओं को आवश्यक रूप से रखा जाता था और जो करण और अंगहार और रेचक दिखाए जाते थे उनके साथ पिंडी बंद भी दिखाए जाते थे, तो ये पिंडी बंद क्या होता। अब आजकल लोग कुछ और समझते हैं पिंडी बंद के बारे में, बड़ी बड़ी नर्तकियां जो हैं वो भ्रमित हैं, क्योंकि मनमोहन घोष ने अनुवाद में गलती कर दी। तो क्या हुआ कि पिंडी बंद का जो प्रयोजन है कि देवता के स्वरूप को नर्तकी अपने शरीर में उतार लेती है, उसका वाहन, उसका स्वभाव, वो सब प्रदर्शित करती है स्टेज के ऊपर, और वो रंग पूजन पूर्व रंग का एक अभिन्न और आवश्यक अंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ देवता प्रसीदन करना है, भगवान को खुश करना है। जब आप करेंगे तभी तो इससे छोटे छोटे टुकड़े और चीज़ें मिला के करेंगे तभी वो पुराना पूरा का पूरा प्रयोग आएगा। ये चीज़ें करने के लिए एक तो नाट्यशास्त्र का विशद अध्ययन, और एक या दो लोगों 4 लोगों के द्वारा नहीं, कम से कम 10-20 अच्छे जानकारों के द्वारा, जिससे कि वो खुद समझ सकें और प्रयोगकर्ताओं को समझा सकें।
फिर आप उसको प्रयोग करके देखेंगे, बार बार देखेंगे आप, जब प्रयोग करेंगे तो सफल होगा कि हाँ अब ये बैठ रहा है, अब ये जुड़ रहा है, अब ये जो हम चाहते हैं, जो इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़े, इफेक्ट हो, वो हो रहा है। और फिर जब आप ये करेंगे, मंडली करेगी, एक ही मंडली नहीं, शायद भारत में एक या दो तीन मंडलियां करेंगी, आपस में वो नोट्स एक्सचेंज करेंगी, सोचेंगी, समझेंगी, तब जो नाट्यशास्त्र के प्रयोग हो सकते हैं और नाट्यशास्त्र का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, वो तब होगा। ये बात हुई केवल नाट्यशास्त्र के पुराने प्रारूप को दोबारा दिखाने की, लेकिन नाट्य तो किसी एक युग में जाकर ठहर नहीं जाता। नाट्य तो आज भी खेला जा रहा है, थिएटर तो आज भी है, तो इस सब पुरानी विद्या का आधुनिक प्रयोग क्या होगा, आधुनिक विधाओं में प्रयोग क्या होगा, ये भी आपको सोचना होगा। क्योंकि आप किसी को सिखाएंगे, वो प्राचीन नाटक सीखेगा, ठीक है, वो तो सीख लेगा, कर भी लेगा, और ऐसा होता भी है। जैसे चीन में काबुकी सीखते हैं, चीन में और जापान में वो काबुकी आर्टिस्ट हैं, सारी लाइफ काबुकी आर्टिस्ट रहते हैं। जैसे यहाँ भी हमारे यहाँ कुडियाट्टम के और इसके उसके वो उसी क्षेत्र में रहते हैं, सिद्धस्थ हो जाते हैं, उतना तो है, लेकिन उसको आपको आधुनिक नाट्य में भी लाना हो कि आधुनिक नाट्य अगर आप कर रहे हैं तो इस विद्या का कोई तो लाभ होगा। इसको आप आधुनिक काल की एक्टिंग में भी तो किसी तरह से यूज कर पाएंगे। आपका ये मतलब नहीं कि आप प्राचीन नाटक करके दिखा देंगे, लेकिन आंगिक अभिनय अगर आपने कर लिया तो अपने शरीर के ऊपर उसके द्वारा, उस अभिनय के द्वारा जो आपने अपने शरीर की ऊपर नियमन सीखा है, उसका प्रयोग आप आधुनिक नाट्य में कैसे करेंगे, ये एक दूसरी समस्या है और ये एक दूसरे विचार। फिर नाट्यशास्त्र में तो कई प्रकार की कथाएं दी गई, वेस्ट में तो ग्रीक्स का अनुकरण करते हुए केवल तीन विधाएं थीं, ट्रेजेडी, कॉमेडी और सैटायर, उसमें घालमेल करके चौथी पांचवी बन जाती थी और एब्सर्ड थिएटर बना और ये सारी चीज़ें आप अभ्यस्त हैं, जानते हैं। लेकिन भारतवर्ष में तो दस रूपक थे, और ये जो भी रूपक थे ये अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं उनके लिए थे। जैसे राजाओं का प्रेम दिखाना है तो नाटक होगा जिसमें 7 से 10 अंक होंगे और प्रेम प्रसंग होगा, उसमें कुछ दिव्य भी होगा, उसमें ऐसे ऐसे पात्र होंगे, उसमें कुछ पात्र होंगे राजा इत्यादि जो संस्कृत भाषण करेंगे, बाकी जो हैं वो अपने अलग अलग प्राकृत में बोलेंगे। और फिर और थे जहाँ राक्षसी या राक्षस और मनुष्य का योग है, उसके लिए व्यायोग होगा। व्यायोग का अर्थ ये कि विशिष्ट रूपेण जहाँ योग हो गया हो, दो प्रकार के अलग पात्रों का, अलग अलग लोक के जो हैं, जाति के जो हैं। इस तरह से 10 रूपक थे। मैं आपको 10 के 10 नहीं बताने वाला हूँ, डरिए मत। तो कहने की बात ये है कि आज उन रूपकों का कोई आधुनिक प्रयोग हो सकता है? आप उस विधा को लेकर क्या नया नाटक लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? भाई अंग्रेजों ने जब ट्रेजिडी लिखी
तो उनके पात्र नए थे, उनकी दृष्टि नई थी, जो यूनानियों की दृष्टि थी उसके हिसाब से तो नहीं लिखा उन्होंने। वो कला ले ली, टेक्निक्स ले लिए, लेकिन अपने युग की चीज लिखी। तो आप भी एक रूपक क्यों नहीं ले सकते? आप भी एक रूपक क्यों नहीं ले सकते? जैसे मान लीजिए एक रूपक हुआ करता था प्राचीन काल में, भाण। तो भाण जो है वो क्या था? वेश्याओं का दलाल, ठीक है। भाण एक रूपक भी था। उसमें दिखाया क्या जाता था कि एक मनचला लड़का है, वो शहर भर में घूमता फिरता है और वेश्याओं को ठगता है, पैसे ही नहीं देता, दुनिया भर की हरकत करता है। यानी वो नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेंद्रियाणाम वाली बात थी ना उसकी, कि भाई अपने बड़े बाप के बेटे हैं और शहर में अनर्थ कर रहे हैं, ये भाण था उस समय का, ये भाण। अब ऐसा है कि ऐसे लोग तो आज भी होते। वो ठीक है कि वसंत सेना जैसी वेश्याएं या गणिकाएं नहीं होती, लेकिन वहां जो पात्र हैं ऐसे लोग तो आज भी होते हैं। तो आप उनके ऊपर नाटक क्यों नहीं लिख सकते? उस पैटर्न पर नाटक लिखिए, उस हिसाब से नाटक लिखिए जो वो दिखा रहे हैं उस नाटक में। वो तो एक लोक कल्याणी था, वो तो कथा इस तरह से बनाई थी। तो आज के पात्र को लेकर ये एक नया तरीका रूपकों के प्रयोग करने का, प्रहसनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रहसन तो बहुत ही अधिक मात्रा में लिखे जाते, और आपको पता है कि प्रहसनों का पात्र के नायक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जो चरित्र होते थे वो कौन होते थे? नालायक गुरु, नालायक चेले, दंभी मठाधीश। तो जब ये सारे के सारे चरित्र जो हैं आज विराजमान हैं, तो आप प्रहसन क्यों नहीं लिख सकते? बड़े आराम से लिख सकते। और जब आप उसको लिखेंगे तो फिर पहले ये हो चुका है, इससे भी जुड़ जाएंगे। पहले ये होता था और इसका निराकरण ये था, ये भी जवाब आपको मिल जाएगा। तो देखिए, शास्त्र को पुनर्जीवित करने का बहुत लाभ है, क्योंकि शास्त्र जो है वो एक समय के लिए लिखा ही नहीं जाता है। उसमें एक विषय की जो एक विद्या की क्रियाएं हैं वो लिखी जाती हैं अपने समय की, लेकिन जो सिद्धांत हैं वो बड़े लंबे समय तक के लिए होते, वो एक एक देश और एक काल के नहीं होते। अगर ये हम मानकर नाटशास्त्र का एक दोबारा अध्ययन करते हैं और फिर उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वास्तव में ये पुनर्जीवित ही नहीं होगा, हमारे नाट्य का रूप बदल जाएगा। आज जिस प्रयोग को हम नाट्य में कर सकते हैं, वो द्वार हमारे आगे खुल जाता है। क्योंकि अब हो क्या गया है कि जितनी नाट्य की विद्या है वो कुछ समय तक तो एक नए प्रकार के नाट्य को, नाट्य ही कह लें, फिल्म कह लें उसको, क्योंकि वो भी दृश्य और श्रव्य है इस सिद्धांत से, वो भी नाट्य है। एक नए प्रकार की विधा को तो पल्लवित करती रही। समझिए 1930 से 1980-90 तक बड़ी अच्छी फिल्में बनी भारत में, उत्कृष्ट फिल्में बनी, श्रेष्ठ संगीत उनमें होता था, बहुत कुछ उन्होंने दिया संस्कृति को। लेकिन उसके बाद वहां मामला गड़बड़ हो गया,
वहाँ वो ही होने लगा जो 36वें अध्याय के अंदर है कि मुनियों को शाप देना पड़ा नटों को, कि आप हर हर अच्छी चीज़ को बुरा बनाकर दिखा रहे हैं तो इसलिए आप अभिशप्त हो गए। तो आप ये देखिए कि वास्तव में हमारी नृत्य गायन कला के कुछ एक प्रारूप को छोड़कर जो पूरी नाट्य विधा है वो अब बहुत दूषित हो गई, क्योंकि पहले सारा जो नाट्य था, संगीत था और साहित्य भी था, वो फिल्म में आकर फिल्म को बहुत अच्छा बना रहा था और हितैषी था, सोशली पर्पसफुल फिल्म्स थी 50s में, 60s में, लगभग 70s में भी, और तरह तरह की कलाएं उसमें जुड़ रही थी। और उसके बाद जब सीरियल भी बना, रामायण और महाभारत जो एक नई फॉर्म आई, तो उसमें भी उसका प्रयोग हुआ, उसका भी पूरा लाभ मिला और वो बहुत प्रभावशाली था। आप में से तो शायद कोई नहीं होगा, लेकिन गुरुजी को याद होगा कि एक घंटे के लिए देश में बसें चलनी बंद हो जाती थी, कई जगह तो ट्रेन भी रुक जाती थी और ड्राइवर कहता था मैं यहाँ पहले देख लूँ रामायण देख लूँ या महाभारत देख लूँ, घंटे भर बाद गाड़ी चला, सड़कें सुनसान हो जाती थी, ऐसे लगता था कि जैसे पाकिस्तान हमला करने वाला है। तो ये हमने देखा, ये तो नाट्य का प्रभाव है और क्या है, नाट्य कितना इफेक्टिव होता है इसमें किसी को संशय होना ही नहीं चाहिए, और वो पुरानी कहानियाँ कितनी इफेक्टिव होती। आप देखिए रामायण महाभारत के अतिरिक्त तो कोई सीरियल जो है वो इतना प्रभावशाली नहीं हुआ, ऐसा कोई हुआ जो सड़कें पर रुकवा दे? वो बात दूसरी है कि कुछ लोग सड़कों में उसके विरोध में भी आए थे, आज वो नज़र नहीं आते भगवत कृपा से, लेकिन मेरा मतलब है हमारे प्रिय मार्क्सवादी मित्रों से, तो अब वो ज़रा आउट ऑफ गियर हो गए हैं थोड़े वक्त के लिए, उस वक्त वो सड़कों पे उसके विरोध में आए थे, लेकिन जनता में कितनी उसकी स्वीकृति थी ये एक घंटे का ट्रैफिक रुकना सिद्ध करता है। तो वो नाट्य का एक आधुनिक प्रयोग था। रमानंद सागर ने और बाद में जो जिन्होंने महाभारत बनाया, बी आर चोपड़ा ने, उन्होंने नाट्यशास्त्र तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जानते थे कि कला को हम किस तरह से पुनर्जीवित करेंगे और उस नए माध्यम में कैसे दिखाएंगे। नाट्यशास्त्र आज भी आपको ये दिखाता है कि नए माध्यम से भी आप इसे दिखा सकते हैं। आप जो 15 मिनट की क्लिप बनाते हैं या 10 मिनट की बनाते हैं उसमें भी कुछ थोड़ा जो काम आ सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वास्तव में पूरे प्रयोग की। और फिर हम ये सचमुच देखें कि वस्तुतः स्थिति क्या थी, प्राचीन काल का नाटक क्यों देश भर को जोड़े हुए था। देखिए नाट्यशास्त्र में जो ऑडियंस की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि बस दक्षिण का ऑडियंस, वो सब ऑडियंस की बात करते हैं और उनको ये पता है कि देश के किस हिस्से में ऑडियंस प्रेक्षक क्या पसंद करते हैं। तो दक्षिण में अगर आप अपना नाटक लेके जाएं तो उसमें संगीत और नृत्य अधिक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं दाक्षिणात्य जितने भी हैं वो नृत्य प्रिय हैं, वो झूठ तो नहीं है, आज भी हैं। अगर आप बंगाल में जाएं तो वाक् वैभव होना चाहिए,
रिटोरिकल होना चाहिए, जहाँ ओकार बहुला भाषा बोली जाती है, ये 17वें अध्याय में दिया हुआ है, तो जरा आडंबर, वाक आडंबर हो तो झूठ तो नहीं है, है? अगर आप पश्चिम में जाएं तो थोड़ी सी हाथापाई होनी चाहिए, थोड़ा सी उग्रता होनी चाहिए, तभी तो जाटों को पसंद आएगा। उत्तर में जाएंगे तो थोड़ा विवेकशील ज्यादा हो, इस तरह से वगैरह। प्रेक्षक क्या चाहता है, किस भाषा में चाहता है, कितना संगीत चाहता है, कितना काव्य चाहता है, सब उस पे दिया है। और आज हम अपने प्राचीन नाटकों को संस्कृत नाटक कहते हैं, हम भी कहते थे साहब। फिर जब हमने नाटशास्त्र पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें तो बहुत सारी भाषाएं बता रहे हैं, और जब जब मूल में जो नाटक हैं वो पढ़े तो उसमें देखा कि संस्कृत है, मागधी है, शौरसेनी है, प्राच्या है, अवंतिका है, ये बताई गई है, और तीन चार प्रकार की प्राकृत जो हैं वो कालिदास ने लिखी है, सब ने लिखी। तो क्या निष्कर्ष निकला, ये संस्कृत नाटक तो था ही नहीं भाई। जब 10% पात्र जो हैं वो संस्कृत बोलेंगे, राजा बोलेगा, उसका मंत्री बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा सेनापति बोलेगा, तो सेनापति हर नाटक में होता नहीं, और अगर प्रेम का नाटक है तो सेनापति शायद ही हो, जब तक कि वो स्वयं ही नायक ना हो। तो फिर 90% तो भाषा जो है वो प्राकृत हो गई। जब प्राकृत हो गई तो फिर आपने उसे संस्कृत नाटक क्यों कह दिया, सोचने की बात है। अब क्यों कह दिया ये हम सब जानते, क्योंकि हमने तो कभी कहा ही नहीं था। किसी भी पुरानी व्याख्या में ये शब्दावली नहीं आती, संस्कृत नाटक। वो नाटक कहते हैं, रूपक कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। सबसे पहले संस्कृत नाटक शब्द, ये फ्रेज का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा हुआ, फ्रेंच के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ क्लासिकल क्या है, तो पंडितों ने कहा कालिदास जी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने पढ़ भी लिया, देख भी लिया कि ये संस्कृत में नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको क्लासिकल संस्कृत नाटक कह दिया, क्योंकि उस जमाने में 1850 से पहले संस्कृत को बहुत प्रतिष्ठित कर रहे थे। वो चल रहा है, चल रहा है, आज भी चल रहा है। और बड़े बड़े आचार्य और पंडित इस बात पर आज भी इंसिस्ट करते हैं कि संस्कृत नाटक कहा जाए। और प्राचीन नाटकों के जितने प्रयोग हैं, प्रोडक्शन हैं, वो केवल संस्कृत में होते हैं। यानी हम शकुंतला से भी संस्कृत बुलवा देते, अब वो तो शकुंतला भी नहीं कहती थी उसकी सखी, उसे सौंदला कहती थी, वो तो सौंदला है, सखी समुंदले, आप पढ़ लीजिए। लेकिन हमने उसका पूरा 100% संस्कृत अनुवाद कर दिया। अब प्राचीन काल में तो सिद्धांत दूसरा था, लोक में जो जो भाषा बोल रहा है उसका अनुकरण कीजिए, क्योंकि नाट्य जो है वो अनुकरण है। तो जो संस्कृत बोल रहा है जीवन में अपने, उसका पाठ, उसका डायलॉग संस्कृत में होगा, और जो शौरसेनी बोल रहा है या कुछ दूसरा बोल रहा है। तो प्राचीन भारतीय नाटक बहुभाषीय नाटक था, मल्टीलिंगुअल थिएटर, और दुनिया में कहीं ऐसा नाटक नहीं, इतिहास में कहीं नहीं हुआ, और भारत के अंदर था, और लोग देखते थे उसको, उसका आनंद लेते थे। स्त्रियां, बच्चे, अपढ़, कम पढ़े, सब
पढ़ने से मतलब अशिक्षित सब उसको देखते थे, सब समझते भी थे और उसका आनंद भी लेते थे। अब हमने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो 19वीं शताब्दी से क्या हुआ, हमने बंगला नाटक लिखना शुरू किया, हमने गुजराती नाटक लिखना शुरू किया, तमिल वगैरह इस तरह से भाषाई नाटक लिखने शुरू किए, भाषाई स्टेट बना दिए। भारतवर्ष में तो ऐसा था ही नहीं कभी। नाटक जो थे वो बहुभाषीय होते थे। एक नाटक मान लीजिए उत्तर भारत में किसी ने लिखा, रचना की, वो सारे भारत में खेला जाता था, अलग अलग भाषाओं में उसका मंचन होता था। अब सवाल उठता है, आज आप एक प्राचीन नाटक को संस्कृत और 3-4 आधुनिक प्राकृतों में क्यों नहीं खेल सकते? ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर उसमें बंगाली पात्र है तो उससे आप बंगला बुलवा दीजिए ना। आप काशी में यहां कर रहे हैं और कोई ग्राम का ग्राम्य पात्र है तो आप उससे मैथिली या उस प्रदेश की भोजपुरी या कोई ऐसी बोली बुलवाइए। यकीन मानिए आपके जो प्रेक्षक हैं उनको बहुत मजा आएगा, वो समझेंगे और फिर वो नाटक सिर्फ संस्कृत डिपार्टमेंट में नहीं होगा, वो नाटक शहर में होगा और उसको बहुत लोग देखेंगे। जैसे फिल्म देखते हैं, शकुंतला फिल्म लाखों लोगों ने देखी, मीरा फिल्म बनी थी, MS सुबोलक्ष्मी ने उसमें मीरा के ही गीत गाए थे। एक वर्जन बना था तमिल में दक्षिण के अंदर, आपको याद होगा, और एक बना था उत्तर भारत के लिए जिसमें उन्होंने ओरिजिनल मीरा के गीत गाए थे और हिंदी में डायलॉग बोला था। और सारे भारत ने देखा उसे, आज भी देखते हैं, क्योंकि केवल भाषा को समझना ही प्रेक्षक की जरूरत भारत के नाट्य परंपरा में नहीं है। वो आंगिक भी देखता है, वो संगीत भी सुनता है, वो अभिनय भी देखता है, वो वेशभूषा भी देखता है और उससे प्रभावित होता है। अब हम रामायण देखते हैं अगर, और मान लीजिए लाओस की रामायण है और वो भाषा तो हमारी समझ में नहीं आती, उनका डायलॉग बिल्कुल नहीं समझ में आता, लेकिन हम उसका पूरा आनंद लेते हैं और हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमें पता है ये जटायु, हमें पता है ये सुग्रीव है। तो ये जो एक कशिश थी, ये जो एक सिद्धि थी उस समय में, वो दोबारा की जा सकती है। केवल आपको सिद्धांत को समझना है, उस सिद्धांत को समझिए। लोकानुकीर्तनम, लोक में जो हो रहा है उसको रिपीट करना, उसको दोबारा दिखाना। तो जब भारत देश बहुभाषीय है आज भी, भगवान का शुक्र लाख लाख धन्यवाद है, जब आज है तो हमारा नाट्य भी बहुभाषीय होना चाहिए, उस दिशा में हमको जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हमारा शास्त्र कह रहा है, उसका हम अनुकरण करके प्रयोग करके देखेंगे तो सफल होंगे, कुछ मिलेगा हमें। तो देखिए ये कुछ बातें थी मैंने आपके सामने रखी। अब आपके 5-10 मिनट में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लें और इन्हीं बातों को कल मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। कल बहुत सी ऐसे प्रयोग हैं जो प्राचीन काल में होते थे, ध्रुवा गान इत्यादि क्या थे, कैसे थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरह से वो तरह तरह से नए नाट्य प्रयोगों में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज आपके 2-4 प्रश्न हो क्यों आचार्य जी, हम तो आप जी हाँ हाँ तो
नाम नहीं है कि सिंधु जो घाटी थी, सिंधु सभ्यता थी, उस समय प्राकृत भाषा जो जो सिंधु उस समय सैंधवी भाषा तो हमेशा से बोली जा रही ना, आज भी सिंधी बोलते हैं हम। जी जी। तो जहाँ जहाँ सैंधव भाषा थी सैंधवी, जी, जैसे बहुत सी जगह ये लिखा है कि भाई आप ये जो लव सॉन्ग है जी, ये किसकी भाषा में होगा? लालू प्रसाद जी की, मतलब बिहारी में, मागधी में, अर्ध मागधी में हो जी, वो नाटशास्त्र में लिखा है मागधी में। अब इसका ये मतलब नहीं है जी कि वो मगध कोई चंद्रगुप्त मौर्य के काल का मगध था या और भी प्राचीन यानी अशोक के काल का था या चंद्रगुप्त, तो खैर और पहले हुए, मैं गलत कह गया, तो किसी एक काल विशेष से नहीं, भाषा से, भाषा से, तो उस सैंधवी का प्रयोग होगा जी। इसी से जुड़ा वही एक प्रश्न है कि स्थित पाठ्य को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए जी। स्थित पाठ्य जो लास्यांग है, हाँ हाँ, उसको थोड़ा और क्लियर कर दीजिए कि वो बैठ के नहीं था, क्या था? नहीं, बैठ के नहीं था, वो मैं आपको कल थोड़ा सा विवरण दूंगा उसका कि स्थित पाठ्य किस तरह से प्रयोग में लाया जाता था, हर जगह नहीं होगा। ऐसे ही कल ध्रुवा के बारे में बात करेंगे कि एक बहुत मेजर टेक्निक था। देखिए, जिज्ञासा जगाने के लिए मैं एक चीज कह देता हूँ, आज हम किसी प्राचीन नाटक को 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। उनका भाई स्वप्न वास्तविकता खेलना है तो खेल लो, तो जो लिखा हुआ है भास के द्वारा, जो डायलॉग है उसको हमने कर दिया, बस 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो एक अंक एक दिन में खेला जाता था, तो फिर वो 7 दिन में या 8 दिन में या 10 दिन में खेला जाएगा, 10 दिन तक वो नाटक चलेगा। तो आप पूछेंगे वो करते कैसे 10 दिन तक, उसी को बार बार बोलते रहते थे? नहीं, बहुत कुछ करते थे। अब यही तो रिसर्च करनी है आपको नाटशास्त्र पढ़ के कि क्या क्या करते थे। अगर उसमें अंकुर है तो फिर अंकुर दिखाएंगे, प्रत्यांकुर दिखाएंगे, निवृत्त्यांकुर दिखाएंगे, फिर किसी ने कह दिया वंस मोर तो फिर वंस मोर दिखा देंगे। तो कितनी देर हो गई? बहुत देर हो गई। फिर इस तरह से निरंतर कलाकार को अपनी कला में आविष्कार करने का एक अवसर दिया जाता, और वो कर रहा था और लोग आनंद। देखिए, वो जल्दी में नहीं देखते थे कि भाई मुझे तो 8:30 बजे मैंने टेबल बुक करा रखी है, मुझे तो वहाँ डिनर के लिए जाना है, जल्दी से बाहर निकलो नाटक देख के। नो, वो रात भर बैठेंगे, सुबह कर देंगे। और अभी समझिए 25-30 साल पहले तक ऐसा भारत में हो रहा था। ये आपके तिरुवनंतपुरम में जो रामाट्टम होता था, होता था, हाँ होता था, तो रात रात भर होता था, मैंने देखा है 10-10 दिन वहाँ रहकर। तो वो पूरा का पूरा, तो उसमें यही होता था कि किसी गुड़ी ने कह दिया अच्छा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा ले एक या दो बार दिखाता हूँ, 3 बार दिखाता हूँ, ऐसे अलग 3 बार दिखाता हूँ। तो ये कला की एक पराकाष्ठा थी। वहाँ उसी समय एक उपज हो जाएगी, उसी समय आविष्कार हो जाएगा, उसी समय नया हो जाएगा। और गुरुजी ने तो ये सब अपने गुरुओं से देखा होगा, स्वयं किया होगा, क्योंकि ये ही परंपरा है कि आप लकीर के फकीर नहीं होंगे, आप नई नई लकीरें खींचते ही जाएंगे दोबारा हर समय। तो मैं समझता हूँ जी, भाव से हम एक भाषी नाटक का आनंद ले सकते हैं, क्या बहुभाषी नाटक का भी आनंद उसी भाव से सहजता से लिया जा सकता है? ज्यादा लिया जा सकता है भाई, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें, वो कैसे संभव है? चूंकि प्रेक्षक भी उतना फिर प्रशिक्षित होना चाहिए, या फिर कैसे हो सकता है, कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं?
आज भारत में देखिए, अब काशी में BHU में किसी का दाखला हो गया और वो मान लीजिए तमिलनाडु से आए, तो वो आएगा थोड़ी बहुत हिंदी तो जानता है, और वो आएगा उसे मकान लेना है तो वो हिंदी में भी बात करेगा, थोड़ी सी अंग्रेज़ी में भी बात करेगा कि भाई मैं अंग्रेज़ी भी जानता हूँ, चलो देखें, सौदा तो पटाना है आपको, असली बात तो ये कितने में मकान दोगे, क्या क्या मेरे अधिकार होंगे। तो जो भी भाषा आपको आती है आप उसका प्रयोग करेंगे, और जिसको मकान देना है सचमुच वो भी करेगा। आज भी भारतीय समाज बहुभाषीय है। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कई भाषाएं बोलने वाले बैठे होते हैं दो बेंच पे, आप अपना काम चलाते हैं, 8 घंटे सफ़र करते हैं, सारा काम चला लेते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, बल्कि उनकी भाषा का और कुछ सीख के ही जाते हैं अगर आप थोड़े अलर्ट हैं, सहृदय हैं। तो ये ही होता था। देखिए अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कैसे, और बड़ा पिछले 200-250 वर्ष का उदाहरण दे रहा हूँ, अब 2-2500 साल का नहीं दे रहा, नाट्यशास्त्र का नहीं दे रहा। जितना भी कर्नाटक संगीत है वो 3-4 भाषाओं में, क्यों जी, त्रिमूर्ति में से, यानी इन्होंने आपके मुत्तुस्वामी दीक्षितार ने तो संस्कृत में लिखा है, त्यागराज ने तेलुगु में लिखा है, श्यामा शास्त्री ने तेलुगु में भी लिखा है और संस्कृत में भी लिखा है और शायद तमिल में भी है, पुरंदर दास ने कन्नड़ में लिखा है जी, स्वाति तिरुनाल ने मलयालम में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है। अब जितने भी कर्नाटक परंपरा के लोग हैं, यानी जो कर्नाटक गाते हैं संगीत, वो ये सब गाते हैं। अब कोई लड़की मद्रास में पैदा हुई, प्रशिक्षित हुई, तमिल भाषी है, लेकिन वो ये सारी बंदिशें, सारी कृतियां सीखती है और भावपूर्ण ढंग से गाती है और सुनाती है और लोगों पर प्रभाव होता है। तो आप बताइए, ये तो अब आज भी हो रहा है हमारे साथ और आज भी रचनाएं कर रहे हैं, आज भी लोग जो हैं दक्षिण में अलग अलग भाषाओं में आज भी कृतियां बन रही हैं और उसको सब सुन रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी संगीत की अमुक भाषा अमुक स्टेट में, ये वो था ही नहीं कभी। देखिए ये गीत गोविंद लिखा गया उड़ीसा में भुवनेश्वर में, इतना तो हम सब मानते ही हैं, लेकिन उसका जितनी भी अष्टपदीय हैं वो सारे भारत में उनके नृत्य आज भी होता है, और संस्कृत में ही नहीं होता, उन अष्टपदियों के भावों को लेकर तरह तरह की तो ठुमरियाँ बनी हैं, ब्रजभाषा में बनी है, अवधी में बनी है, जाही जाही मैं तोसे ना बोलूं सर कन्हाई, ये कहाँ से आया, या ही माधव माँ कुरु कैतव वादम, ये तो उसने लिखा है ना जयदेव ने, तो जयदेव का माँ कुरु कैतव वादम आपने ब्रजभाषा में कर दिया, ठुमरी बना दिया, आप गा रहे हैं, ये कैसे हो गया। ये इसीलिए हो गया कि आप गुणग्राही थे संगीत में, कला में कोई प्रतिषेध, कोई किसी तरह का अड़ंगा नहीं था, अच्छी चीज देखी उन्होंने ले ली, उसको पुनर्रचित कर दिया, कॉपीराइट होता नहीं था, उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा है हम दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा बदल के भी लिख देते हैं, हमें तो इसी में मज़ा आता है, स्वांता सुखाए यही है हमारे लिए, तो हमने लिख दिया, तुलसीदास ने अपने हिसाब से लिख दी, कहीं यहाँ से लिया कहीं वहाँ से लिया,
पुनर्रचना कर दी और वो रचना जो है अद्वितीय हो गई। तो ये प्रक्रिया है। तो इसलिए बहुभाषीय अगर नाटक होगा तो वो अधिक सशक्त होगा, मेरा तो विश्वास यही। आप कह सकते हैं कि एक शास्त्रीय अड़ियलपन है। धन्यवाद। हमें समझ में आया कि हमें लगता है कि उसमें भाषा के साथ साथ अभिनय पक्ष भी और सांगीतिक पक्ष, भाव पक्ष भी उसको उद्दीप्त कर रहा है। वो तो रहेगा। जी जी, धन्यवाद सर। उसी को तो आप देखते ही हैं। केवल भाषा सुनने तो आप जाते नहीं, आप उपदेश सुनने थोड़े गए हैं, आप तो नाटक देखने गए हैं। और इसीलिए जितनी भी कलाएं हैं और काव्य के जितने भी काव्य जो भी विस्तार है तो उसमें नाटक सबसे ऊपर माना गया है। क्या है वो, काव्येषु नाटकम रम्यम। हाँ, तो फिर ये देखिए उसमें है इतना देखने को कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा, काफी कुछ मिलेगा जिसमें आप खो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इस विषय को तो हाँ आदरणीय, तो मैं वही आपसे अनुमति चाहता था कि कल ही जब आपके अगला हो जाए तब आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हो तो समवेत उसका समाहार हो जाए, हो सकता है फिर जी। और हमारे सुधी श्रोता लोगों के लिए भी ये एक संदेश है कि आज हम विराम लेते हैं, यहीं से फिर प्रारंभ करके फिर संपूर्ति को कल हम पहुंचेंगे। तब तक के लिए हम लोग विराम लें और मंथन करें, मनन करें आज जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है। और आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप लोग पुनः कल 3:15 बजे हाल में यहीं पर उपस्थित रहें। तक आप सभी को, आप सबने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ प्रस्तुत हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, जिनके माध्यम से हम सब आप तक पहुंच पाए और आप हम सबको सुलभ हुए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल कम समय के बावजूद भी, आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप उपस्थित हुए और कल के लिए भी आश्वासित कर रहे हैं कि नहीं आप कल भी उपस्थित रहेंगे। मैडम अर्पिता चटर्जी जी, मैडम होम्बल जी, प्रियंका सिंह जी, रेवती मैडम आपको भी, आप मैडम का भी, और आप नाम चुकी कविता जी, आप दोनों पधारे, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके संदर्भ से मैं बताना चाहूँगा कि आप जयशंकर प्रसाद जी की पौत्री, प्रपौत्री हैं, तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की, तो ये भी हमारे लिए एक सुखद ही संयोग बना है कि आप, क्योंकि नाट्य शास्त्र के ही संदर्भ से जब काशी में मंचन हो रहा था तो जयशंकर प्रसाद जी ने, शायद उन्हीं का ये संदर्भ था कि ये तो कालिदास के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। यदि ऐसा संदर्भ मुझे राधा बल्लभ त्रिपाठी जी के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि जब वो निकले मंचन देख करके तो उनका यही था कि ये तो कालिदास के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। तो खैर, हम इस प्रसंग को आगे कल चर्चा के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।